नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड मैं विकास सक्सेना और आप देख रहे विकास जी टेक चैनल। फ्रेंड आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वन वीपीएन ऐप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आप वन वीपीएन ऐप को किस प्रकार से यूज कर पाओगे। तो आपको अपने प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर लेना होगा। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको इसे कर देना होगा ओपन। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर टाइप कर देना होगा। जैसे आप इस पर टाइप करेंगे अब यहाँ पर आपको लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर और डाउनलोड या अपलोड का स्पीड भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप इस पर टाइप करके कनेक्ट भी कर सकते हैं अपना यह वीपीएन कनेक्ट करना चाहते हैं, यह वीपीएन ऐप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने फ़ोन में तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ ऊपर थ्री डॉट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप इस पर टाइप करेंगे अब यहाँ पे होम पेज शेयर और सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यदि आप किसी फ्रेंड को शेयर करना चाहते हैं शेयर भी कर सकते हैं। आपको इसे कनेक्ट करना है तो आपको सबसे पहले अपने लोकेशन चेंज कर लेना होगा। जैसे आप लोकेशन के ऑप्शन पर टाइप करते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो भी लोकेशन सेलेक्ट है यहाँ पे शो हो जाता है। यदि आप किसी दूसरे का कंट्री सर्वर यूज करना चाहते हैं, किसी दूसरे कंट्री का सर्वर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना कंट्री चूज कर लीजिए। जिस कंट्री का आप सर्वर यूज करना चाहते हैं यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको पावर कनेक्ट के ऑप्शन पे टैप कर देना होगा। जैसे आप इस पे टैप करेंगे आपको ओके कर देना होगा। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे कनेक्टिंग होने लगेगा, आपको वेट कर लेना होगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और जान लेते हैं। तो इस ऐप को आप लगा के कोई भी गेम खेल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपका भी यह कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डिस्कनेक्ट भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और कैंसिल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यदि आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड आपको बता दूं यह बहुत ही अच्छा ऐप है जिसे आप यूज करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, जिससे आपका नेट का स्पीड एक बराबर रहेगा या तेज़ रहेगा और आपका नेट का स्पीड कम नहीं होगा, जिससे आप कोई भी वीडियो आसानी से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आप इस ऐप को यूज कर सकते हो। यदि आप इसे गेम में यूज करना चाहते हो तो गेम में भी यूज कर सकते हो, जैसे फ्री फायर, पबजी, किसी भी गेम में आप यूज कर सकते हो जिससे आपको कोई भी गेम लैग नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से आप इस ऐप को यूज कर पाओगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।